आज मैं ऐसे महान क्रांतिकारी की बात करूंगा जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था। उसका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उसके पिता का नाम जानकीनाथ बोझ और माता का नाम पार्वती देवी यानी प्रभावती दत्त था। उसकी पत्नी का नाम विभावती एमिली था। उसकी पुत्री का नाम अनीता बोझ था। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाला एक महान स्वातंत्र्य सेनानी था। सुभाष चंद्र बोस ने जब से कठिन माने जाने वाली ICS की परीक्षा पास की थी। सुभाष चंद्र बोस इसी सन 1938 में सूरत के हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख बने थे। बाद में कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। विदेश में उसकी मुलाकात हिटलर और जापान के वड़ा प्रधान टोजो जैसे कई नेताओं से मिले थे। सुभाष चंद्र बोस ईस्वी सन 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख भी बने थे और आजाद हिंद फौज के वड़ा भी बनाए गए थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का बिरुद दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे सूत्र दिए थे। सुभाष चंद्र बोस का विमान अकस्मात में 18 अगस्त 1845 में मृत्यु हुई थी और एक चमकता सितारा का अस्त हुआ। अस्तु जय हिंद। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी ऐसे महामानव क्रांतिकारी की जानकारी प्राप्त कर सके।